हेलो पीपल, मेरे किचन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो एक फेस्टिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज वीडियो में हम बनाने वाले हैं होली फेस्टिवल में हर घर में बनने वाली मिठाई गुजिया। ये गुजिया ना ही पूरी खोए की और ना ही पूरी सूजी की होने वाली है। ये रेसिपी वो रेसिपी है जो हर साल मेरे घर में बनती है और सबको बहुत ही पसंद आती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुजिया का डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम 2 कप मैदा लेंगे और उसे ऐसे छन्नी से छान लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और 1/4 कप मेल्टेड घी डाल के घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आटा ऐसे अच्छे से हाथ में बाइंड होने लग जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये डो रेडी हो गया है। इसे अभी हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चलिए हम गुजिया की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन को घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप मतलब 250 ग्राम खोया ऐड करूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी। ये खोया काफ़ी सॉफ्ट और तुरंत का बना हुआ था, इसलिए मैंने इसे बिना ग्रेट किए पैन में ऐसे ही ऐड कर दिया है। अगर आप जो खोया यूज़ कर रहे हो वो टाइट हो तो पहले आप उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लें, तभी उसे पैन में ऐड करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी स्टफिंग में खोए के लम्स रह जाएंगे। इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट तक ऐसे चलाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगी है और इसका कलर भी हल्का रेड हो गया है। इसका मतलब हमारा खोया एकदम रेडी है। हम इसे ठंडा करने के लिए एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं उसी पैन में हल्का सा घी और ऐड करके 1/2 कप सूजी भी भून लूँगी। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखकर इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए सूजी अच्छे से भून गई है। अब मैं इसे भी खोए में ऐड कर दूँगी और हल्का ठंडा होने दूँगी। ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें 3/4 कप गरी का बुरादा ऐड करूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर इसमें हम बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल के उसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। फिर एट लास्ट हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये ध्यान रहे कि मिक्सचर में चीनी तभी डालें जब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया हो। ये गुजिया की स्टफिंग बनके रेडी हो गई है। चलिए गुजिया के लिए अब चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाते टाइम आप जो पैन यूज़ कर रहे हो उसे पहले ऐसे घी से ग्रीस कर लें। ऐसा करने से चाशनी बनाते टाइम जो चीनी साइड साइड में जमने लग जाती है वो नहीं होगा। चाशनी बनाने के लिए हम 1 कप चीनी लेंगे और उसमें 3/4 कप पानी ऐड करके चीनी को घुलने देंगे। मैं चाशनी में थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं हो तो आप 2 साबुत इलायची भी चाशनी में डाल सकते हैं। पूरी चीनी घुलने तक चाशनी को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने दें। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना है, बस ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए वैसे ही हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हम डो को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। मैं इसकी 4 बड़ी बड़ी लोई बना रही हूँ और हम इसे 1 मिनट के लिए बस ऐसे ढक के थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे।
चलिए इसे हम बेल लेते हैं। मैं इसे ऐसे किसी भी शेप में बड़ा सा बेल रही हूँ। फिर एक कटोरी की हेल्प से मैं इसमें से राउंड शेप कट कर लूँगी। मैंने इसे काफ़ी पतला बेल लिया है। अब मैं इससे ऐसे राउंड शेप कट कर लूँगी और ये बचा हुआ आटा हटा दूँगी। अगर आपके पास गुजिया बनाने वाला साँचा ना हो तो आप मेरे तरह इसे ऐसे फिल कर लें, फिर हल्का सा पानी लगा के इसे क्लोज कर लें और फोक की हेल्प से इसे ऐसे प्रेस करके अच्छे से बंद कर दें। ये देखिए हमारी बिना सांचे की गुजिया बनके तैयार है। अगर आपके पास सांचा हो तो आप उस पे ऐसे आटा रखें, उसमें फिलिंग डालें और पानी लगा के उसे क्लोज कर दें और ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ आटा है उसे हटा दें। भुजिया की स्टफिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम भुजिया डाल देंगे। हमें भुजिया को लो फ्लेम पे करके बहुत देर तक नहीं पकाना है। ऐसे करने से हमारी भुजिया जो है वो खुलने लग जाएंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके इसे ऐसे टर्न करके दोनों साइड से हल्का ब्राउन कर लें और फिर इसे हम निकाल लेंगे। ये जो हमने गर्मा गर्म भुजिया निकाली है इसको हम तुरंत चाशनी में ऐड कर देंगे। इसे हमें चाशनी में बस 1 से 2 मिनट के लिए रहने देना है, फिर इसे हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। ये भुजिया सर्व करने के लिए अब रेडी है। ये देखिए ये कितने प्रॉपरली स्टफ्ड है और ये उतनी ही टेस्टी लग रही है। तो इस होली आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।